सो व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि जो हमने मिशन करा था वो था, जो लास्ट टाइम में सेव करा था वो है रिक्वायरमेंट ड्राइव। तो इसमें करना क्या था, मतलब ये जो हमने फिल्म स्टूडियो की जो जगह थी वो हमने जो है परचेस कर ली थी, और वो जो हमने परचेस करी थी $16,000 के, हमने अंदर उसको परचेस कर लिया था $60,000। तो उसके अंदर मिशन में ये था कि एक वो लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज़, तो मर्सिडीज़ लड़की को जो लेकर आना था, क्योंकि वो इसलिए बुला रहे थे उसको क्योंकि जो है उनको शूटिंग वगैरह करनी थी, और हमारा जो काम था उसको जो है लाके जो है उनके फिल्म स्टूडियो के अंदर छोड़ना। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, तो देखते हैं जहाँ पर मैंने गेम सेव करा था वही वाला आज हम मिशन करेंगे फिल्म स्टूडियो का, और देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच गए थे और अब नेक्स्ट मिशन हमको क्या मिलने वाला है। इस जगह पर ही हमने गेम को सेव करा था, और यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। और काफ़ी मुश्किल मिशन है आज का जो होने वाला है ना मिशन, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे जो है ना डिल्डो डोडो ये मिशन का नाम है, और ये कोई दीवार वगैरह उठा के ले आ रहे हैं, कोई शूटिंग वगैरह का सिस्टम ये लगा रहे हैं, कोई सेट लगा रहे हैं शूटिंग का ये। और यहाँ पे डायरेक्टर से जो टोमी बात कर रहा है, बात करने देते हैं इसको। और ये शूटिंग जो है सेट काफ़ी अच्छा, और ये है मर्सिडीज़, ये जो लड़की आई थी ये हीरोइन है इस फिल्म की, जो ये फिल्म वगैरह है शूटिंग जो कर रहे हैं इसके अंदर ये काम करने वाली है लड़की मर्सिडीज़ नाम की, जिसको मैं पिछली भी मिशन के अंदर लेकर आता हूँ यही लड़की है। और एक और इसके साथ लड़की है जिसका नाम है कैंडी, और तो उस कैंडी और ये दोनों जो है ना मिलकर शूटिंग के अंदर काम करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हम देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, और मैं थोड़ा इस गेम को स्किप करके आगे निकल जाता हूँ। और आज के इस मिशन के अंदर देयर इज़ अ सी प्लेन, तो यार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ये वाला मिशन, और काफ़ी ज़्यादा लेंदी मिशन है ये समझ लें, क्योंकि जो है ना बहुत मुश्किलों से पास होता है और काफ़ी लोग इसी के अंदर अटके हुए हैं। ज़्यादातर लोगों से पास होता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पास होता है, और काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीका होगा इसका पास करने का, सिर्फ आपको उड़ाना आना चाहिए, बाकी सब खैर है, बाकी उड़ाना आ जाएगा ना आपको काम अच्छा हो जाएगा। और आपने उड़ाने का तरीका इसका ये, आपके पास जो कीबोर्ड में 4 बटन आ रहे हैं, यानी कि 4 की के बटन आ रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, जिससे आप जो है हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं सेम उसी तरीके से इसको उड़ाना पड़ेगा। 6 का बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, 9 का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ये जहाज़ उड़ेगा। और जहाज़ यार काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक दिया हुआ है इन्होंने, सिर्फ ये पानी के अंदर चलेगा और हवा में उड़ेगा बस, इसके अलावा ज़मीन पर उतरा तो आग लग जाएगी और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। थोड़ा सा इसको 9 का बटन दबा के नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना ब्लू पॉइंट इस साइड पर है, और ये मैंने इसको ले लिया। इस तरीके से आपने भी इन सारों को लेना पड़ेगा, और हल्का सा भी कहीं टकराया मिशन आपका फेल हो जाएगा, मतलब फेल तो नहीं होगा लेकिन जहाज़ में आग लग जाएगी, और जब जहाज़ में आग लगेगी तो मिशन तो जाहिर है फेल तो होना ही है। थोड़ा 9 का बटन दबा के नीचे कर लूँ इसको मैं, ये भी मैंने ले लिया। और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मिशन दिया है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादातर लोग इसी के अंदर ही अटकते हैं। और एक और जितने ही जहाज़ वाले मिशन जो होते हैं ना ज़्यादा ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि जहाज़ उड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर तो हर कोई उड़ा लेता है, हेलीकॉप्टर जो है ना थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन जहाज़ चलाना जो है बिल्कुल ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत। थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, इसको ही मैंने ले लिया, और अभी एक और भी आने वाला है, और एक और जो है थोड़ा दूर है, और ये दरख्त आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला पेश करने वाले हैं, क्योंकि दरख्त के अंदर अगर जहाज़ टकरा गया ना तो धुआं निकलने लग जाएगा, बच गया। और ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है, जितने भी देखे नीचे कितने सारे जो है जहाज़ खड़े हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का एरिया ही है। और यहाँ पे भी मेरे को ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लू पॉइंट यहाँ से भी ले लेते हैं, इसको भी मैंने ले लिया। अब देखते हैं दूसरा ब्लू पॉइंट किधर है, ये दूसरा भी आ गया मेरे पास नजर आ रहा। थोड़ा 9 का बटन प्रेस करके थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर लूंगा मैं। और अब के जो इन्होंने दिया ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह के ऊपर इन्होंने दिया है, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। कहाँ गया नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये रहा काफ़ी नीचे दिया हुआ है इन्होंने, ओहो बहुत ही ज़्यादा नीचे दिया हुआ है इन्होंने, घूम के जाना पड़ेगा वापसी से। और हमारा फ्यूल कम से कम होते आ रहा है, अगर फ्यूल ख़त्म हो गया ना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मिशन फेल हो सकता है,
हो क्या सकता है, बल्कि मिशन फेल ही है, पक्का हो जाएगा ये मिशन फेल है। ये कह रहा काफी खतरनाक जगह पे इन्होंने दिया हुआ था, और अब वाला जो है तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह पे नजर आ रहा है मेरे को लग रहा। ये कह रहा बिल्कुल अंदर घुसा कर दिया इन्होंने। ओहो बच गए बच गए बच गए भाई बच गए, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। मैं इसमें सिर्फ आपको चलाना आना चाहिए, बाकी सब खैर है। अगर आपको चलाना नहीं आया तो ठूक जाएंगे, बाकी आपको प्लेयर्स अच्छा होना चाहिए इसके लिए, जो है ना जहाज़ चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। और जहाज़ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गंदा दिया है, इंतहाई घटिया जहाज़ दिया इन्होंने ना इनको। और कोई जहाज़ इतने सारे थे और कोई मिले नहीं इनको, यही वाला जहाज़ देना था पागल के बच्चों को। ये वाला मैंने ले लिया और ये टकरा गया थोड़ा सा, लेकिन ये कि ले लिया मैंने, बच गया। और अब के वाला भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह पर नज़र आ रहा है मेरे को। नहीं ये थोड़ा फिर सही है, अब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा, अंदर की तरफ फंस गया मैं। यहाँ से घुमा के देखते हैं कोई रास्ता नज़र आ जाए शायद। ये रहा रास्ता तो हैगा, और ये बच गया बच गया। कहाँ जा रहा है भाई कहाँ जा रहा है, थोड़ा उस साइड से घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। फ्यूल मेरे पास आधा हो गया, अब थोड़ा घुमाना पड़ेगा ताकि जो है ना सीधा 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 लेंथ के अंदर जाइए। हाँ वो रहा नज़र आ रहा है भाई आ रहा है, और ये हो सकता है हमारा लास्ट हो ये। ओहो ये हो गया भाई, 2000 देखें डॉलर्स मैंने अभी तक मेरे को इस मिशन के पास करने के मिल गया, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मिशन। और मैं यहाँ पर जो है अपने अब ये मतलब पास हो गया, मैं उतर भी जाऊँगा तो मसला नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे उतार लेता हूँ, पानी के अंदर उतार लूँगा इसको ना, इसी जगह उतार लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से उतर जाता हूँ मैं, और अब मैं जाता हूँ अपने सेकंड मिशन की तरफ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था याला मिशन, और अब याला आ गया मेरा थर्ड मिशन आ गया इसका। इस मिशन का नाम है मार्था मग शूट। यहाँ पे जो है मार्थस पता नहीं क्या ये नाम है कोई इनका मिशन चल रहा है यहाँ पर, और ये लड़की पता नहीं क्या जिम कर रही है क्या कर रही है, अल्लाह रहम करे। बच्चों को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस मिशन के अंदर, और GTA San Andreas में इससे भी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक सीन आने वाले होंगे। GTA San Andreas जिस गेम के अंदर जो उससे थोड़ा सा खतरनाक वो जो है इसके मिशन होते हैं, और ये वाला मिशन मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रहा है। तो मैं इस मिशन को जो है ना देख नहीं सकता हूँ, समझ लें मैं इसको स्किप करके आगे निकाल रहा हूँ। ये डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, और वो देखें कैसे शूट के लेने के अंदर लगा पड़ा पागल का बच्चा साला, शूटिंग के अंदर लगा पड़ा मगन हो वो ना। और एक लड़की जो है ना ये कैंडी है ये, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। डायरेक्टर से बात कर रहा है तो बाद में करते रहेगा, हम जो अपना मिशन करें जो हमारा मिशन दिया गया। और ये लड़की जा रही है, इसकी जो मेरे को जो है ना पोजिंग वगैरह लेनी है, शूट करना है मेरे को इसको, शूट किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें कैंडी जा रही है, ये देखिए कैंडी है, ये लड़की का नाम कैंडी है, किसी और को कैंडी मत समझ लेना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर जाना पड़ेगा। और हेलीकॉप्टर के अंदर ये जिस जगह पे जाएगी ना वहाँ से मेरे को फॉलो कैंडी स्टेज करके बोल रहा। तो जो है इसका हमें जो है ना पीछा करना पड़ेगा सिलो सिलो, और अगर इससे भी आगे हम निकल गए ना तो हमारा मिशन फेल हो सकता है, और अगर इसके ज़्यादा पीछे रहेगा तो तब भी हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो आपने इसी के साथ साथ चलना पड़ेगा, इसके ऊपर जाके थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा हमें। और हेलीकॉप्टर चलाना यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर मेरे को अच्छा लगता है चलाने के अंदर, और मेरे को आता भी है चलाना, इस वजह से मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर ये मर्सिडीज आ रही है पीछे लग रहा है, पीछे चेक करना पड़ेगा कहाँ चल गई। और देखें टोमी लग रहा है कैसा हेलीकॉप्टर चलाता हुआ ना, टोमी एकदम अच्छा सा लग रहा है हेलीकॉप्टर चलाता हुआ। और मैं उस साइड निकल जाता हूँ, वो काफ़ी आगे आ गई है वो लड़की, कैंडी को जो है फॉलो करना था हमें, और ये लड़की इसी रोड के ऊपर ही है। बैक साइड चेक करें, आ रही पीछे पीछे आ रही है हमारे, हम इससे थोड़ा सा आगे हैं।
और हमें जो इसी बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ किस बिल्डिंग में जाना है हमें और कहाँ से इसकी फ़ोटो को शूट करना है। ये जा रही है इसकी गाड़ी, और ये आ गई है, कुछ इससे बात वगैरह करेगी, अंदर जाएगी ऊपर, कोई स्विमिंग पूल में नहाने का इसका मूड वगैरह लग रहा है मेरे को। ये देखें यहाँ पे खड़ा हुआ है ये लड़का, यहाँ पे कुछ खड़ा हुआ, और ये जो स्विमिंग पूल में आ रही है हाय करके इससे बोल रहा है, और कैंडी जो है मटकते हुए आ रही है इसके पास। तो इनकी यहाँ पे मेरे को फ़ोटो शूट करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं लेता हूँ इनकी फ़ोटो को, और मेरा हेलीकॉप्टर को मैं जहाँ पे मेरे को जाना पिंक पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को, इसी बिल्डिंग के अंदर से जो है ना मेरे को जो है ना शूट करनी पड़ेगी यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर, किसी भी मैं फ्लैट के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ से मेरे को जो है ना शूट करना पड़ेगा। और आना किस तरीके से, कहाँ पर रास्ता, ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, घुमा के जो हेलीकॉप्टर को इस जगह पर खड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वापसी भी तो जाना है ना। इस जगह पे मैं इसको आगे ले आता हूँ, ये मैंने आगे ले आया, और इस जगह पे मैं हेलीकॉप्टर को अपना खड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जाता हूँ सीधा बिल्डिंग के अंदर। और ये बिल्डिंग का रास्ता ये रहा यहाँ से, इस साइड से बना हुआ, और यहाँ से मैं जाऊँगा फ़ोटो शूट करने के लिए। ये रहा गेट, कहाँ है इसका, ये रहा गेट आ गया, ये इसका गेट है, और ये बिल्डिंग जो है ना ऊपर की ऊपर तरफ जाते जा रही है। और यहाँ पे जो है ना इसकी इन्होंने वो लगाई हुई है, क्या नाम है, स्लाइड्स लगाई हुई है इन्होंने जाने के लिए, लिफ्ट लगाई हुई है, जिसके अंदर लिफ्ट के अंदर भी खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमको ऑप्शन नहीं दिए हुए इतने ज़्यादा। और यहाँ पे इनकी गैलरी आ गई, यहाँ पर ये फ्लैट बना हुआ है, जिसके अंदर दरवाज़ा वगैरह रूम बने हुए हैं, यहाँ से भी रहने की जगह यहाँ पर ही है। और यहाँ से मेरे को कुछ करनी है शूटिंग, यहाँ से इनकी शूट की मेरे को फ़ोटो वगैरह लेनी है। और देखिए इन्होंने जो आधा चड्डा पहना हुआ लड़के ने, तो इनकी मेरे को दो चार फ़ोटो वगैरह लेनी है, पुलिस पीछे लग जाएगी अगर ज़्यादा मैंने फ़ोटो ले ली ना, अभी पुलिस वैसी भी लगने वाली है मेरे पीछे ना। और थोड़ा ज़्यादा जूम मैंने कर लिया, और ये जा रहे हैं मेरे पीछे जो है ना पुलिस लग चुकी है, और चार पुलिसें लग गई हैं। और मैं क्या करूँगा, लीव में अलोन लिख लूँगा, लीव में अलोन से वैसे काम होगा नहीं, सिर्फ पुलिस हट जाएगी, केस मेरे पे वो रहेंगे। और मैं न्यूटर टूल्स भी लिख लेता हूँ, न्यूटर टूल्स, और एक दफ़ा मैंने और लिख लिया न्यूटर टूल्स। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, गन्स लेके जानी पड़ेगी, और काफ़ी बड़ा मसला होने वाला है नीचे जाके, तो याली गन्स लेके जाऊँगा मैं। और नीचे जो है ना अभी ये खड़े हुए होंगे इस वाली बिल्डिंग के अंदर, ये इस जगह पे नहीं है अभी, इससे वाली नीचे वाली पे होंगे, यहाँ पे चेक करूँ, इस पर भी नहीं है अभी, इससे नीचे पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, और जाके चेक करते नीचे, और नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं है। देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं ये ना, इस जगह पे खड़े हुए हैं, इनको टपकाना पड़ेगा, इन दो को तो मैंने टपका दिया, और अगर आप इनके हाथ लग गए ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। स्प्रिन भी लिख लेना एक दफ़ा आपने, क्योंकि जो है ना इनकी गोलियां खतरनाक हैं, जो एक सेकंड के अंदर हमारी लाइफ तबाह कर सकती हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा आगे आके टपकाना पड़ेगा इनको, इन दोनों को टपका दिया, बल्कि एक ही टपका, अभी दूसरे को टपकाता हूँ मैं, दूसरा भी टपक गया, और इस पर लिख लेता हूँ मैं, और इससे नीचे वाली बिल्डिंग पे भी हो सकता है शायद हों, बोल के बोल रहे, एक तो रह गया और एक और रह गया, इसको भी टपका दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब लिखता हूँ मैं लीव मी अलोन, लीव मी अलोन से जो मेरे पीछे दो पुलिस केस हो गए हैं वो भी हट जाएंगे, और अब मैं भगाते हुए सीधा निकल के जाऊँगा और हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊँगा अपने, मेरा हेलीकॉप्टर यहीं पर ही खड़ा हुआ होगा, ये रहा जहाँ पर मैं खड़ा कर गया था वहीं पर ही मेरा हेलीकॉप्टर रहेगा, और यहीं पर ही बैठ के मैं जल्दी से चल जाता हूँ अपने पिंक पॉइंट के ऊपर। और हेलीकॉप्टर होने का काफ़ी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हमें जो है ना गलियों से जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बाहरों बाहर जो है ना मतलब जो बिल्डिंगों के ऊपर से हम सीधा जल्दी से भगाते हुए पहुंच जाते हैं जहाँ पे भी हमें जाना होता है, तो हेलीकॉप्टर से मेरे को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाता है, और मैं जल्दी से मिशन को कम्प्लीट कर सकता हूँ इसकी यहाँ से। ओह अंदर यार बहुत बड़ा मसला लग रहा है मेरे को, यहाँ पे इन्होंने छन्नी छन्नी कर दिया हेलीकॉप्टर को, एस्प्रिन लिख लेता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं, थोड़ा और ऊपर हो जाता हूँ,
इस जगह साइड में लगा लेता हूँ ताकि इनको पता नहीं चले। यहाँ सही है। और अब मैं जो है ना न्यूटर टूल्स मैंने ले लिए, भागते हुए जाता हूँ ताकि इनको कहीं से नज़र ना आ जाऊँ, वरना मारेंगे बहुत ये। तो मेरी लाइफ इन्होंने 86% कर दी और ये मैंने मिशन पास जो कर लिया, इसके मेरे को $4,000 मिल गए यहाँ पर ना। और ये मेरा मिशन पास हो गया और अभी भी मेरे पास एक मिशन और आ रहा है इनका करने के लिए ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पर एक और मिशन आ रहा है इनका, लेकिन ये अभी करूँगा नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा। ये मिशन जो है ना बहुत बड़ा मिशन होने वाला है ये इस गेम का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और जो मैं इस मिशन को सेव करूँगा वो होगा फ्रेंड रिवरली के ऊपर, मैं सेव करूँगा और यस करके ओके कर लूँगा। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। गुड बाय।